प्रेजेंटिंग डुप्लेश्वरी देवी की भक्त म्यूजिक की मास महारानी कोचिन केरला से एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर गायत्री राजीव. तो बताइए क्या गाने वाली हैं आज आप? मैं सर का मूवी क्रिमिनल का एक गाना गा रही हूँ. तू मिले दिल के लिए. वैसे सर जब ये फिल्म आई थी तब सर एक बहुत बड़ी हवा उड़ी थी और वो हवा ये थी दैट मनीषा कोइराला इज डेड और सब एकदम शॉक हो गए थे और ये सब जो कारस्तानी हुई थी वो सर की वजह से हुई थी. तो सर ये यूनिक आइडिया उस दौर में आपके दिमाग में आया कैसे? वो कहते हैं कि बद अच्छा बदनाम बुरा. क्या होता है जब फिल्म कुछ खास बनती नहीं है ना और लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ होता नहीं है आपके पास तो फिर ऐसे खेल खेलने पड़ते हैं और उसके बावजूद पिक्चर नहीं चली. मगर सच तो ये है कि इस फिल्म की एक देन तो है ये गाना जो सालों बाद आज भी गूंज रहा है और मुझे मिला एक कमाल का गहना एक जेम एमएम क्रीम. एवरीवन कम ऑन पुट योर हैंड्स वंस अगेन फॉर गायत्री एवरीबॉडी. Go for it. Wish you all the very best. मैं बच्ची की दाद देना चाहता हूँ कि इतना मुश्किल गाना एक तो अटेम्प्ट करना और उसको पूरे दिल से निभाना इट शोज दैट इसके अंदर वो जुर्रत है वो जज्बा है ऑफ एन एंटरटेनर. श्रेया का एक मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि एक सुबह थी चेन्नई में हम एक फिल्म बना रहे थे जिसमें गाना था जादू है नशा है. अब वो गाना था वो इरोटिक स्पेस का था और मुझे वो सुबह याद है कि ये अपना अपने पूरे दिल से गा रही थी
मगर ये गाना जो है उसमें जब तक वो इरोटिक एलिमेंट नहीं होगा, वो अंदाज तुम्हारा एक बेबाकी नहीं होगी, तब तक वो गाना जो है मैं ओके नहीं करूंगा। हमने भी गिरते पड़ते ही सीखा, ऐसे ही बेटा सीखते हम लोग। जब आपको पहला नेशनल अवार्ड मिला था तब आलिया 1 साल की थी। हाल ही में ही आलिया को नेशनल अवार्ड मिला। इनको भी मिला। हाँ। और हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप कितने खुश हुए होंगे। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि आलिया कितनी खुश हुई होगी जब उनकी शादी में आपने आलिया के नाम की मेहंदी लगाई। ये जो बाप बेटी का रिश्ता होता है ना, ये रिश्ता नहीं, ये प्यार का रास्ता होता है। आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे मुझे आज पूजा भट्ट आलिया भट्ट के बाप के नाम से बुलाया जाता है, एक दिन आपको ये महिमा के नाम से बुलाया जाए। महिमा के नाम से। थैंक यू सर, थैंक यू। और महिमा बेटा जरा यहाँ आना, तुमको कुछ देना है मुझे, यहाँ आओ। ये है 53 रुपीज। 53? ये 53 रुपीज का राज यह है कि जो पहली कमाई मेरी थी मैंने अपनी मम्मी को दी थी 53 रुपीज। ओह माय गॉड, वहां से मेरा सफर शुरू हुआ है। तो मैं ये 53 रुपीज आपको देता हूँ और आप बुलंदियों के तरफ चलिए भी। आप मेरे लिए पूरे सपने जैसे आए, बस मैं इतना कहूँगी कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, सर से मिला है, और मैं ये पापा को देना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सोच भी नहीं पाया था, एक ड्रीम लग रहा है हमारे पास। शुक्रिया सर, थैंक यू। जाने मन
बात बताना चाहूंगा, जिनकी फिल्में देखकर जिनके गानों पे हमेशा ऑडियंस ने सीटी मारी है ना, आज वो खुद सीटी मार रहे हैं। भाई देखिए, जब हम सिनेमा हॉल में ऑडियंस की सीटी सुनते थे ना, तो हम जाके सो जाते थे कि पिक्चर हो गई हिट, हो गई हिट। अब इसने मेरी सीटी सुन ली तो वही वर्डिक्ट है। अब क्या लफ्जों में बोलूं मैं और कुछ। सीटी। Thank you so much, sir. मेरे लिए ये सिटी मार परफॉर्मेंस है। वोकल मजा दिया, माल कर दिया। Thank you so much, sir. डायरेक्टर्स चैलेंज क्या होता है, हर कंपोजर को पता है, हर सिंगर को पता है। सुनने वाले को या देखने वाले को क्या महसूस होना चाहिए, वो डायरेक्टर सबसे ज्यादा जानता है। उस चैलेंज पे खरा उतरना, जब महेश भट्ट साहब आपको कहें कि आपने ये गाना बेहतरीन गाया, देयर इज नथिंग बिगर देन दैट। थैंक यू सो मच। ये गमछे वाली परफॉर्मेंस के बारे नहीं कह सकती, बट आपका गाना और आपकी जो वो वाली परफॉर्मेंस है, उसके लिए सच में हमारी तरफ से हिट से ज्यादा लीड। अब मेनू का ऐसी एंकरिंग करके उसको इनवाइट करो स्टेज पे कि लोग देखते रह जाए, हैरान हो जाए। कमाल है, बाप रे। मैं ट्राई जरूर करूंगी। तो चलिए बुलाते हैं हमारे इंडियन आइडल सीजन 14 की उस आवाज को, जिसकी मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दीवानी है, जिसके कमबैक का इंतजार हम सब ने इतने साल से किया। अरे बाप रे, वो आज 8 साल बाद हमारे बीच आने वाले हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन हुसैन। इतने प्यार से बुलाया मेनू का, आज तक मेरी बीवी ने मुझे इतने प्यार से नहीं बुलाया जितने प्यार से आपने मुझे बुलाया। बस जोरदार तालियां एवरीवन, कम ऑन, लेट्स हियर इट फॉर मेनू का, फॉर देम। थैंक यू सो मच। माय गॉड, गली में आचार निकला, गली में आचार निकला, तुम आए तो आया मुझे यार, गली में आचार निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में गली में आचार निकला, तुम आए तो आया
के कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आइए बताओ आइए। मेरा नाम महेश भट है। ये सब मैं जानती हूँ आपको। मैंने ये फिल्म डायरेक्ट की है। ये मेरी अपनी जिंदगी की दास्तान इसमें कैद है। ये मैंने अपने जख्मों को कुरेद के ये फिल्म बनाई थी जिसको नेशनल अवार्ड मिला था और अजय देवगन साहब को भी अवार्ड मिला था। और मुझे गर्व है कि इस फिल्म में हमने उस हिंदुस्तान का जिक्र किया है जो इस मिली जुली तहजीब को सेलिब्रेट करता है। थैंक यू सर। मुझे आज इस बात पे यकीन हो गया कि एक आँख दिल के पास होती है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। क्योंकि चांद जो तूने दिखाया ना बेटा, वो चांद तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। थैंक यू सो मच। इसका जो अंतरा ना तुमने इतना खूबसूरत गाया क्योंकि इन शब्दों में बहुत गहराई है। क्या था वो? दारे आज की रात जो मैं सो जाती खुलती आँख सुबह हो जाती। इसका क्रॉस का मैं तो हो जाती बस बर्बाद, मैं तो हो जाती बस बर्बाद, गली में अचानक निकला, गली में ये बस कलेजा फाड़ देता है गाना ऐसा। बस तो हो जाए तो हिट से ज्यादा लेट। तुझे देख देख सोना तुझ में बसी है मेरी जान है। जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए। जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए। तुझे देख देख संग तेरे बितानी तुझ में बसी है मेरी जान है। जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए।
राहत साहब याद आ गए मुझे। स्पेशली जब अंतरे में आपने परवाज जो है ना, वाह वाह वाह, मैं तो पहुंच गया फिर उस स्पेस में जहां पर मैंने पहले मरतबा गाना सुना था, और आपके आवाज में वो मुल्क की मिट्टी कहीं पर जुड़ी हुई है ना, तो वो जब नमक आ जाता है आवाज में तो वो तो अनबीटेबल हो जाती है। देख भाई सुरिंदर, क्या है कि पहला मुखड़े के बाद सेकंड मुखड़े से तूने सिक्सर मारा सीधा सर। जो हाई नोट्स है ना तुमने वो स्ट्रेट जंप किया, इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। फैंटास्टिक सिंगिंग, फैंटास्टिक। प्रेजेंटिंग जिन्हें बनना है दूसरी बार इंडियन आइडल का हकदार, मुंबई महाराष्ट्र से अंजना पद्मना भन 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 भन। Oh,
a performance. What a performance. Thank you so much. ये गाना actually male song है. ये मैंने पहली बार एक female आवाज में सुनी. पूरा range तुमने दिखाया इस गाने में. It's really fabulous. Thank you. Thank you so much. Thank you. भाट साहब ने 3 मिनट का पिक्चर देखना चाहा था तुम लोगों से ये गाने के अंदर. मेरे को ऐसा लगा कि इस गाने में तुमने पिक्चर दिखाया. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. एक एक्सप्लोसिव साइलेंस थी इस गाने में. हाउ ब्यूटीफुल द वर्ड्स आर. जैसे श्रेया कह रही थी कि ये मेल सॉन्ग है, इसकी इंटरप्रिटेशन जो तुम्हारी थी ना, आपने इसका मिजाज बदल दिया. अंदाज़े बयां आपका अपना है, अपना रंग है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.